वालेकुम। जियाज किचन में तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसका नाम भी बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक ईजीली पहुँच सके। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्ती रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो फेरल्स। आप लोगों ने ये नाम वेरी फर्स्ट टाइम ही सुना होगा और ये रेसिपी जो है वो पर्सनली मैंने खुद जो है वो ट्राई की है। ये मेरी अपनी ही रेसिपी है। आपको ये रेसिपी किसी और चैनल पर या किसी से भी आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी और ये हमारी पाकिस्तानी रेसिपी है। ये कोई इटालियन या चाइनीज डिश की कोई रेसिपी नहीं है। तो चलें हम पोटैटो फेरल्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बताते हैं। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का आलू है, यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये मेरे पास मैदा है, 1 कप जो है ना वो मैंने मैदा लिया जिसको कि मैंने हाफ जो है ना वो कर लिया, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया और 2 टेबल स्पून ही इस पे लिया। इसके बाद मैंने 2 पिंच जो है ना वो ग्रीन फूड कलर इसके अंदर डाला और उसके अंदर 2 पिंच रेड फूड कलर डाला है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, दोनों के अंदर, एक उसके अंदर और 1 टीस्पून ही रेड फूड कलर के अंदर। इसके बाद मैंने कोरिएंडर ड्राई जो है वो क्रश करके वो डाला है और इसके अंदर मैंने व्हाइट पेपर डाली है और उसके अंदर जो है मैंने रेड चिली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून दोनों, ठीक है। यहाँ भी मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाली हैं और वहाँ जो है मैंने जो रेड चिली पाउडर वो भी 1/2 टीस्पून। तो अब मैं आपको आलू की कटिंग बता देती हूँ। हमने कोई भी कटर लेना है और कटर से जो है वो अपने पोटैटो को इस तरह जैसे हम फिलिंग करते हैं हम इस तरह इसको करते जाएंगे। ये देख लें, लेंथ जो है इसकी हमने जितनी हमें रिक्वायर्ड हो हमने उतनी ही करनी है, ठीक है। हमने इसको लंबा जरूर करना है, ये देखें इस तरह से हमने इसको बना लेना है, ठीक है। ये ठीक है, इस तरह हमने अपने जितने भी आलू हमने लेने हैं हम ले लें। मैं आप लोगों के साथ 3 जो है वो पोटैटोस के शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 3 मीडियम साइज पोटैटोस लिए थे, ठीक है, उनको मैंने इस तरह कट कर लिया। अच्छा, कट करने के बाद आपने इनको क्या करना है, पानी में डिप करके और फ्रीजर में रख दे 5 मिनट के लिए। और लेकिन अगर टाइम आप लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा है तो आप इनको 10 या 15 मिनट के लिए सिंपल फ्रिज में रख दें। तो मैंने इनको जो है ना वो कट करके पानी में डिप करने के बाद फ्रिज में रखा इनको 5 मिनट के लिए फ्रीजर्स में और उसके बाद मैं इनको स्टेन कर लिया। स्टेन करने के बाद हमने इनको किचन टॉवल पर स्प्रेड करके और अच्छे से ड्राई कर लेना। ये देखें अभी ये मॉइस्ट हैं थोड़े थोड़े, अब मैं इनको टॉवल पर डाल के अच्छे से ड्राई कर लूँगी। ये देखें फ्रिज से निकालने के बाद मैंने इनको पानी से बाहर निकाल लिया, छान लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने टॉवल पे स्प्रेड करके इनको ड्राई कर लिया है। अच्छा, फूड कलर जो है वो मैंने रैपिंग रोल इसके ऊपर बिछा के और फिर मैंने फूड कलर डाला है। इससे जो है वो हमारा डिनर सेट जो होगा वो ख़राब नहीं होगा, कलर जो है ना नहीं आएगा। और ब्रेड क्रम्स जो है वो 2 डिफरेंट ही आपने उसमें लेने हैं क्योंकि अभी हमने जब इनकी कोटिंग करनी है तो जो फूड कलर गिरेगा तो हमारा ब्रेड क्रम्स पे भी जो है ना वो लग जाएगा, इसलिए तो हमने इनको डिफरेंट बर्तनों में ही लेना है। हमने एक पोटैटो फेरल लेना है, उसको किसी भी फूड कलर में अच्छे से इस तरह डिप कर लेंगे। ये पोटैटो फेरल को हमने अच्छे से डिप करके और इस तरह से स्टेन कर लेना है, इसको पानी जो है ना एक्स्ट्रा इसका निकाल देना है। उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। अब अपने ब्रेड क्रम की हैवी कोटिंग नहीं करनी इस पर, ठीक है, आउटर साइड पर मस्ट हो के हो जाए। और पहले हम एक कलर के सारे कोट करेंगे और उसके बाद दूसरे कलर के। जो एक्सेस क्रम्स होंगे वो हमने उतार देने हैं इसके ऊपर इस तरह झाड़ के और इनको हमने एक डिश में रखते जाना है। पहले हम एक कलर के सारे रेडी करेंगे, तो इसी तरह मैं बाकी के सारे रेडी कर लेती हूँ ग्रीन कलर के। ये देखें ये रेडी हो गए ग्रीन और रेड। मैं आपको एक रेड भी जो है वो इसी तरह दिखा देती हूँ कि हमने कैसे करना है पोटैटो फेरल्स।
ये हमने कोटिंग कर ली है बैटर की। ये बैटर हमारे पास जो है वो सिंपल है, ठीक है। मैंने पहले बताया 2 टेबल स्पून में हमने 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालना है, और इसको इतना पतला जो है ना वो बैटर बना लेना है, और इसके अंदर हमने कोरिएंडर और रेड चिली पाउडर डालना है रेड फूड कलर में। लेकिन जो हमारे पास ग्रीन फूड कलर जिस बैटर में हमने डालना है उसके अंदर हमने ब्लैक पेपर या आप लोग व्हाइट भी डाल सकते हैं, तो जो आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगे। मैंने ब्लैक डाला है, आप लोग ब्लैक डाल के भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और उसके अलावा आप व्हाइट डाल के भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी तरह सारे कोट किए हैं जो बाकी हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये जो हमारा ब्रेड क्रम है ये रेड कलर वाला जो है ये रेड हो गया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इनको सेपरेटली जो है वो आपने यूज़ करना है ताकि ये जो हमारे क्रम्स हैं ये ज़ाया ना हो। अब हम इनको फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इनका जो टेक्सचर है वो सेट हो जाए। तो अब हम इनको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद फ्राई करेंगे। ये देखें मुझे तो इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी खा लूँ इनको। 10 से 15 मिनट हो गए हैं पोटैटो पैरल्स को। अब हमने पैन में घी गरम कर लेना, ठीक है, मीडियम फ्लेम पर, और इसको हमने चेक कर लेना है कि ये गरम हो गया है। तो अब हम जो है वो अपने पोटैटो पैरल्स फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। घी को गर्म करने के बाद फ्लेम हम लो कर देंगे, क्योंकि आप इनकी जो है वो थिकनेस देख रहे हैं कि ये ज़्यादा थिक नहीं है, ठीक है। तो इनको जो है वो हम लो फ्लेम पर ही तल लेंगे। हमने जो है पैन में घी इतना लेना है कि ये डिप हो जाए, ठीक है, ये बाहर ना निकल रहे हैं, और अगर निकल रहे हैं तो इनकी इस तरह लेंथ जो है ना वो हमने खोल देनी है ताकि ये घी के अंदर डिप रहे। हमने इनको जो है इनकी प्लेसेस चेंज नहीं करनी, इनको पलटना नहीं है, ठीक है। एक ही साइड से बस इनको 2 मिनट के लिए पका लेंगे तो ये इजीली पक जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मोटे नहीं हैं इस वजह से। ये देखें ये हमारे फ्राई हो गए। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ग्रीन हमने सारे फ्राई कर लिए हैं, अब हम रेड करेंगे। मैं आपको जो है वो कलर का इसलिए कह रही हूँ डिफरेंस करने का, ताकि जो फूड कलर है ना हमारा ये काम खराब ना करे। हमारा मतलब कि जो हमारे रेड है उनको रेड रहने दें, जो ग्रीन है ग्रीन, अगर हमने इकट्ठे डाल दिए तो ये कलर एक दूसरे के साथ मिक्स होकर थर्ड कॉम्बिनेशन दे देंगे। हमारे पोटैटो फैरल्स बनकर रेडी हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। मैंने इनकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से की है। अब जब आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोग जो है ज़रूर नई प्रेजेंटेशन इसकी ट्राई कीजिए, और फिर मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, ये देखें इनकी साउंड कितनी ज़बरदस्त, और सॉफ्ट भी हैं, ये देखें क्रंची भी हैं। ये आप इनको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, कोई भी सॉस है, केचप है, मायोनीज है, या आप प्लम सॉस है, ठीक है, आपको जो सॉस पसंद आए। मैं इनको इस वक्त केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, ठीक है, मैंने केचप लिया है, तो आप कोई भी सॉस ले लें। ये जो रेसिपी है वो जियाज़ किचन की स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिए कि आपको जो है मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि पर्सनली ये मेरी रेसिपी है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा अपने तमाम व्यूवर्स के रिप्लाइज का। आप लोग देख लेंगे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनके ये मैंने जो है ना वो पोटैटो फेरल्स बनाए हैं। तो आप लोग जो है अगर बड़े लार्ज साइज़ का आप पोटैटो यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक जो है ना वो पोटैटो लेंगे तो इतनी क्वांटिटी में आपके जो पोटैटो फेरल्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो है मैंने पापड़ के स्नैक्स ये मैंने सिंपली फ्राई करके और जो है ना वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए हैं। तो आप लोगों को मैं पहले भी कह चुकी कि अब आप लोगों ने नई प्रेजेंटेशन जो है वो इसकी जब आप रेसिपी ट्राई करें तो नई प्रेजेंटेशन भी ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक और नई रेसिपी शेयर करूंगी। तब तक आप लोग मुझे इसका फीडबैक दे दें, ताकि जो है मैं आप लोगों के साथ मज़ीद नई रेसिपीज जो है वो शेयर करती रहूँ। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। मेरी बाकी तमाम रेसिपीज़ का लिंक भी जो है वो ऑलमोस्ट हर उसके नीचे मैं डाल देती हूँ, तो आप लोग जो है मेरी कोई भी रेसिपी देख सकते हैं।
मैं आप लोगों से भी हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी जो है वो आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।